Excuse me, may I have your attention, please? Yes, sir. Today is your English test, so I'm giving you some sentences and you have to translate that into English. Are you ready for that? Yes, sir. Okay, let's see. आप बताइए क्या मुसीबत है को इंग्लिश में क्या बोलोगे? क्या मुसीबत है? What a bother. मेरी ओर ध्यान दीजिए. मेरी ओर ध्यान दीजिए. May I have your attention, please? Good. मेरी ओर से माफी मांग लीजिए. मेरी ओर से माफी मांग लेना. बेग माय अपोलोजाइज. गुड. कष्ट के लिए धन्यवाद. कष्ट के लिए धन्यवाद. थैंक्स फॉर द ट्रोल. आप बताइए इस हिंदी का क्या होगा? माफ करना या गलती से हो गया? माफ करना या गलती से हो गया. एक्सक्यूज मी, इट इज बाय मिस्टेक. गुड. सपोज आप फ्रेंड के यहाँ गए हो और आपने उनसे बोला मेरे लायक कोई सेवा? मेरे लायक कोई सेवा? एनी सर्विस फॉर मी. गुड. सपोज किसी जगह पे गए और जगह बहुत अच्छी लगी है. कितनी सुंदर जगह है. कितनी सुंदर जगह है. व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस. गुड. अगर कोई बदतमीजी किया जो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होने वाला और आपने बोला तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा ऐसे कहने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डिड यू से दैट? गुड. आपकी कोई बात नहीं सुन रहा. आपने हिंदी में उसको बोला मेरी बात सुनो. मेरी बात सुनो. लिसन टू मी. क्या बोलेंगे? लिसन टू मी. गुड. अगर आपको बोलना है किसी को कि प्लीज मेरा साथ दो और उसने दे दिया तो आप उसको थैंक यू कैसे बोलोगे? थैंक्स फॉर कॉलिंग. गुड. आप बताइए, पहले आप बताइए बिल्कुल सही को क्या बोलोगे? बिल्कुल सही. गुड. और अगर किसी को सावधान रहना है तो आप कैसे बोलोगे? फ्रेंड्स, इस तरह की इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपने भी इंग्लिश सीखा कि नहीं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.